अरे वाह भाई वाह मोहसिन खान, तुम तो निकले बड़े तूफान। अरे तुमने तो भाई बिल्कुल सही समय पर आकर ऐसा मोर्चा संभाला, लखनऊ को जिता दिया हारा हुआ मुकाबला। वरना भाई उस नवीन उल हक ने तो 19वें ओवर में 19 रन लुटा के लगवा दी थी लखनऊ की लंका। अरे भाई कैमरन ग्रीन और टिम डेविड जैसे खतरनाक खिलाड़ियों के सामने ऐसी गजब की गेंदबाजी। इस मुंबई को आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रन चाहिए थे, तुमने सिर्फ 5 ही बनने दिए। भाई सारा दारोमदार आखिरी ओवर पर था, अगर तुमसे थोड़ी भी भूल चूक हो जाती तो सभी खिलाड़ियों के किए किराए पर पानी फिर जाता। फिर भाई क्या स्टोइनिस की बल्लेबाजी, क्या रवि बिश्नोई की गेंदबाजी, सभी धरी धराई रह जाती। अरे पांड्या भैया, पारी को तो तुमने और स्टोइनिस ने मिलकर संभाला था, वरना जिस तरह से लखनऊ की शुरुआत हुई थी अगर ऐसे ही चलता रहता तो हमारी गेंदबाजी भी कोई काम नहीं आती। भाई 12 रन पर ही 2 विकेट गिर गए थे, तीसरा भी 35 पर गिर गया था। यहाँ से स्टोइनिस भाई ने जो गजब की पारी खेली थी, 47 गेंद पर 89 रन ठोक दिए थे, चौके सिर्फ 4 छक्के 8। उसी का नतीजा था लखनऊ वालों ने 177 रन का अच्छा स्कोर बनाया और मुंबई को पेल दिया। अरे इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में मुंबई को ऐसा पेल दिया, रोहित शर्मा से ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा, लगता है बेचारे की कुछ ज्यादा ही सूझ गई। अरे क्यों भाई रोहित, तुमने जो अच्छी शुरुआत दे के जीत का सपना पाला था, हमने उसको तोड़ के तुम्हारी प्ले ऑफ की उम्मीदों को बिल्कुल तगड़े वाला झटका दे दिया। अरे भाई ऐसा तो तुमने भी नहीं सोचा होगा। अरे देखो भाई मोहसिन खान, मैंने और ईशान किशन ने तो शुरुआत में ही ला दिया था तूफान, लेकिन हमारे बाकी खिलाड़ी ऐसी तगड़ी शुरुआत मिलने के बाद भी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके, करवा दिया मुंबई का अपमान। अरे भाई हमारी ओपनर जोड़ी ने तो 9 ओवर में ही लगभग 90 रन कूट डाले थे, बाकी जिम्मेवारी तो सूर्य कुमार जैसे खिलाड़ियों के कंधों पर थी, जिसको इन्होंने ठीक से नहीं निभाया और मुंबई इंडियन को हरवाया। अरे क्यों भाई सूर्य कुमार, तुम्हारा ये टेढ़े मेढ़े शॉट खेलने का कीड़ा मुंबई इंडियन पर भारी पड़ गया। अरे भाई अगर तुम इस मैच में भी पिछले मैचों की तरह अच्छी सी पारी खेल देते, मुंबई इंडियन प्ले ऑफ में पहुंच जाती, अब तो राह बहुत मुश्किल हो गई। अरे बात सुनो भाई रोहित शर्मा, अरे हम तो स्कूप शॉट से छक्का बटोरना चाहते थे लेकिन चूक गए, यश ठाकुर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। हमें भी पता है मैच का यही टर्निंग पॉइंट था, यहीं से मुंबई इंडियन जीता जाता मैच हार गई। लेकिन भाई जरूरी तो नहीं हर मैच सूर्य कुमार यादव ही जितवाए, अरे हम भी इंसान हैं, कभी कभी किस्मत हमारा भी साथ नहीं देती। अरे तुमने और कृष्णा भैया ने मिलकर जो रन बना दिए उसके बाद तो टिम डेविड को छोड़कर किसी का बल्ला ही नहीं चला। उस टिम डेविड ने तो 19 गेंद में 32 रन बनाए, चौका सिर्फ 1, छक्के 3 लगाए, लेकिन कोई काम ना आए, मैच को वो भी ना जितवा पाए। अरे क्या भाई सूर्य कुमार यार, हमको तो तुमसे ही उम्मीद थी, तुमने ही उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरे मैच को फिनिश करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तुम में तो वो काबिलियत थी लेकिन तुम तो सस्ते में निपट गए और हम जीता जाता मैच हार गए। आखिरी ओवर में देख लो, ये कैमरन ग्रीन और टिम डेविड एक भी बाउंड्री ना लगा सके, जिसकी वजह से 11 रन भी मुंबई इंडियन के लिए बिल्कुल पहाड़ बन गया। 11 ना सही, कम से कम 10 तो बना लेते, सुपर ओवर हो जाता, बिल्कुल मजा आ जाता। लेकिन हमारी फूटी किस्मत, सिर्फ 5 ही रन बने और 5 रन से हार गए। अरे इस मोड़ पर आकर हमें तिलक वर्मा की बहुत याद आई, अगर वो होता तो मैच को यूं फंसने नहीं देता। इस कैमरन ग्रीन का भी पता नहीं क्या है सीन, भेजा था मैच को फिनिश करने के लिए लेकिन लुटिया डबोकर आ गया, बिल्कुल करो या मरो के पलों में भी 6 गेंद में सिर्फ 4 रन बनाए। मुझे तो ऐसा लगता है मुंबई वाले इसी ने हरवाए, वरना ये मोहसिन खान जैसे कल के आए खिलाड़ी रोहित शर्मा के सामने इतनी उछल कूद ना करते। अरे देखो भाई रोहित शर्मा, बात उछल कूद की ना है, आखिरी ओवर में टिम डेविड जैसे खिलाड़ियों को बांध के रखना, एक भी बाउंड्री नहीं लगने देना, कोई छोटी बात थोड़ी है। इतने खतरनाक खिलाड़ियों के जबड़े से जीत को छीन के लाना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं, ऐसी जीतों पर जश्न तो बनता है, वही हमने किया। वैसे भाई तुम्हारा दुख तो जायज है, ऐसे मोड़ पर आकर हारना, फिर उस हार को पचाना टीम के कप्तान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्यों पांड्या भैया, कुछ गलत तो ना कहा मैंने? अरे मोहसिन भाई गलत क्या, तुमने तो बिल्कुल सतवचन बोल दिए और हमारी नाक कटने से बचा ली। अरे हमारे केएल राहुल भैया जो फर्ज हमको सौंप के गए थे उसको हम बखूबी निभा रहे हैं और लखनऊ सुपर जायंट को एक के बाद एक मैच जितवा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब की बारी आईपीएल सीजन हमारा ही होगा।